हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल तैयारी यूपीएससी एंड यूपीपीएससी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो आज हम यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने चल रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1093 पदों के लिए वैकेंसी जीपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से निकली है। और यहाँ पर ये देखिए 1093 पद हैं और ये आज से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। आज मंगलवार है, आज ही के दिन से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुल 1093 पदों पे भर्ती होगी। जेपीएससी ने 18 जुलाई से 31 अगस्त तक ये फॉर्म भरने के लिए अप्लाई करने की गुड डेट रखी है। अब इसमें आपका देखिए या तो ऑनलाइन ये इसकी साइट से आपको मिल जाएगा jpsc.in पर, और यहाँ पर आप जो फॉर्म है वो या तो हाथों यहाँ जमा करिए या फिर डाक से भेजिए या स्पीड पोस्ट से भी आप फॉर्म जमा कर सकते हैं। यहाँ पे ये रांची विश्वविद्यालय टोटल ये जो पूरा राज्य के यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें टोटल ये पद निकला असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसकी एलिजिबिलिटी आप जान लें कि एलिजिबिलिटी इसमें यदि आप नेट क्वालिफाई हैं या सेट जो स्टेट सेट होता है यानी कि स्पेशली झारखंड का यदि हुआ होगा तो वहाँ के यदि आप क्वालिफाई हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और नेट क्वालिफाई हैं तो श्योर है ये अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें रांची यूनिवर्सिटी है, नीलांबर पीताम्बर है, कोल्हान विश्वविद्यालय है, सीधो कानू और विनोबा भावे। और यहाँ पे देखिए बैकलॉग और रेगुलर दोनों को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। रेगुलर में क्या है कि रेगुलर में ये 120 सीटें हैं, बैकलॉग में 148, टोटल 268 हैं ये रांची यूनिवर्सिटी की हैं। नीलांबर ये पीताम्बर की 114 है रेगुलर की, बैकलॉग में 50 हैं, टोटल 164 हैं। कोल्हान की 236 सबसे ज़्यादा यहीं हैं जो रेगुलर में है। उसके बाद सीधो कानू की 47 है, विनोबा भावे की 10 सीटें हैं, और यहाँ पे ये सब बैकलॉग हैं। तो जो फ्रेश कैंडिडेट है वो यहाँ पे डाल सकते हैं रेगुलर वाले में। ये बैकलॉग जो वैकेंसी है ये फ्रेश कैंडिडेट के लिए नहीं है, इसमें अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए घट बढ़ सकते हैं पद, तो पदों की बात की जा रही है तो यहाँ पे 1093 जो पद हैं उससे ज़्यादा भी यहाँ पर पद हो सकते हैं जब तक ये अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने ये जो सचिव हैं जेपीएससी के उन्होंने लिखा है कि जेपीएससी ने अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए हैं, पद की संख्या कुछ घट बढ़ सकती है क्योंकि मनोविज्ञान की जगह मानव विज्ञान लिखकर विश्वविद्यालय द्वारा भेज दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जेपीएससी ने कहा कि आयोग की वेबसाइट पे मंगलवार 5 बजे से यहाँ पे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। www.jpsc.in से यहाँ पे फॉर्म डाउनलोड करके ये आप स्पीड पोस्ट से या फिर किसी तरह से यहाँ पे हाथों याद जमा कर सकते हैं। ये आयोग में आपको पोस्ट करना होगा और ये फॉर्म आपको मिलेगा jpsc.in पे। ये ऑफलाइन फॉर्म है। तो एक बार फिर आप यहाँ पे देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर के 1093 पदों की भर्ती है और फॉर्म कल से जमा होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और लोग इससे जानकारी प्राप्त हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।